नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो मैंने आज बनाया है आलू के पराठे इस तरीके से, देखिए बहुत ही अच्छे बने हुए हैं। तो चलो चलते हैं फिर, देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली है एक कटी हुई, अदरक है कद्दूकस करा हुआ, हरी मिर्च है कटी हुई, हरा धनिया का पत्ता है बारीक कटा हुआ। मैंने चार आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको हमने उबाल के कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब सबसे पहले हमने आटा लिया है यहाँ पे, आटे को हम गूंथ के रख देंगे। अब सबसे पहले हम आटे में थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब आटे को हम इस तरीके से, ध्यान रहे आटा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम का आटा रहेगा तब पराठा फटता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि हमसे पराठा नहीं बनता आलू का, सारा फट जाता है। तो यही है, आटा अगर सही सना होगा तब पराठा आलू का फटेगा नहीं, चाहे जितना भरिए। देखिए मैंने यहाँ पे आटा बहुत अच्छा से साना हुआ है ना, हमने बहुत टाइट साना है ना, बहुत मुलायम है। देखिए आटा मेरा सन के हो गया है रेडी। अब इसको हम ढक देंगे थोड़ी देर ताकि आटा मेरा सेट हो जाए। अब हम आलू को कर ले रहे हैं फ्राई। वैसे मूड नहीं था आलू फ्राई करके बनाने का, वैसे ही बनाते सिंपल, लेकिन आलू फ्राई कर ले रहे हैं हम। अब कढ़ाई हो गई है मेरी गरम, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, सबसे पहले अब इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा मेरा चटक जाए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, प्याज, कर देना है फ्राई से हल्का गोल्डन कलर में हो जाए। अब थोड़ा सा डालेंगे हम अदरक कद्दूकस किया हुआ, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, सॉरी हरा लहसुन का पत्ता कटा हुआ बारीक, इसको इस तरीके से चला के अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ आलू डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मसाला इस तरीके से बहुत अच्छा ही हम भूनेंगे ताकि इसकी खुशबू पराठे में अच्छा आए। अब इसमें हम डालेंगे सूखा मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच,
धनिया जीरा मिर्चा पाउडर, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मसाले का यूज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे हमने फ्राई कर लिया है आज आलू, नहीं तो आलू का पराठा बिना फ्राई के बनाते हैं। हर सामान कच्चा डालते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठे में। आप चाहें तो उस तरीके से भी ट्राई करिए बिना फ्राई के, सारा सामान डाल के जो हमने बताया है। देखिए इस तरीके से मेरा पराठे का मसाला आलू हो गया है बढ़िया से फ्राई। देखिए बहुत अच्छा ही कलर आया इसका, बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम उतार लेंगे, गैस बंद कर दे रहे हैं। इस तरीके से थोड़ा सा आटा हमें लगा लेना है, क्योंकि आटा जो है छिटके ना मेरा। इस तरीके से हमें लोई बना लेनी है। इस तरीके से देखिए बिल्कुल कटोरी जैसा हो गया है। हम आलू इसमें बहुत ढेर सारा भर रहे हैं, देखिए हो गया है। और थोड़ा सा आलू भरेंगे, आलू पराठे में ज़्यादा रहे तो ही पराठा खाने में मज़ा आता है, कतई नहीं फटेगा। अब देखिएगा, अभी मैं बेलूँगी तो इस तरीके से इसे बंद कर लेना है। अब पहले हम गैस कर दे रहे हैं ऑन। देखिए बिल्कुल धीमे हाथ से इसे बेलना है, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से। आलू हमने बहुत भरा है, आप देखे हैं इस तरीके से। बहुत बड़ा नहीं बना रहे हैं, मीडियम का पराठा बना रहे हैं। आलू इसमें ज़्यादा भरा हुआ है। हम दूसरा भी बनाएंगे। इस तरीके से हम दूसरा बना लेना है। इसी तरीके से हम सारे पराठे बनाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। इसमें हम लगा रहे हैं देसी घी, आप कोई सभी ऑयल लगा सकते हैं, सरसों का, रिफाइंड, कुछ भी। लेकिन मैं जब भी पराठा बनाती हूँ आलू के या मटर के पराठा बनाती हूँ तो देसी घी लगाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है इस तरीके से। आप चाहें तो इसको तल भी सकते हैं। चम्मच से मदद के इस तरीके से हम करते रहेंगे ताकि मेरा पराठा कच्चा ना रहे, पक जाए।
मैंने आलू बहुत ज़्यादा भरा है, इसमें अब आलू ज़्यादा रहेगा तभी पराठा खाने में मज़ा आएगा। पराठा जो है मेरा हो गया है सिक के रेडी, बहुत अच्छा सिका हुआ है। इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा सिका हुआ है, कितना अच्छा है। देखिए मैंने इसे दोनों तरह पराठा बना लिया है, इधर दूसरा पराठा है। देखिए इस तरीके से मेरा दूसरा पराठा भी सिक के रेडी हो गया है, बहुत कुरकुरा सिका हुआ है। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया है। इस तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। मेरे सारे पराठे बनके हो गए रेडी, अब हम इसको निकाल लेंगे सारे पराठों को। देखिए इस तरीके से मेरे पराठे हो गए हैं बनके रेडी। मेरे आलू के पराठे बनके हो गए हैं रेडी, देखिए बहुत अच्छे बने हुए हैं इस तरीके से। अगर आलू का पराठा आप लोगों को पसंद आता है, साथ में हरी धनिया की चटनी भी है, आप टमाटर सॉस भी ले सकते हैं, जिससे मर्जी आ खाइए। पराठे मेरे बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आपको पसंद आता है मेरे आलू के पराठा की रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।